सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोर सिल्वर मिसर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंचे। चैनल में हर किस्म की वीडियो तजर्बा करने के बाद आपको दिखाई जा रही है और किसी भी चीज की जाति या कमी की वजह से आपका तजर्बा कामयाब न होने की चैनल जिम्मेदार न होगा और तजर्बे में इस्तेमाल होने वाले जहरीला मवाद जहर बारूदी मवाद की वजह से जानी और माली नुकसान होने की सूरत में चैनल बिल्कुल जिम्मेदार न होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं नज़ीर अहमद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि अक का दूध निकालने के मतलब तरीक़ाकार बताया और जिसको हिकमत ज़बान में कहते हैं कि शीर मदार या निकालना, जिसका मकसद था कि हमने गंदक आमला सार का रोगन बनाने के मतलब। दोस्तों, आपको मैंने दिखाया था कि ये वही गिलासी है जो शुरू में मैंने आपको दिखाई थी कि ये देखें इसमें दूध निकालना या कोई ऐसा प्लास्टिक की गिलासी ले लें या कोई चीज़ ले लें कि दूध ज़ाया ना हो। मैंने कहा था कि एक स्टांग दूध चाहिए। ये देखें, अभी मैं आपको इसका वज़न बताऊँगा। ये देखें, अभी ये खाली शीशी और ये दूध वाली शीशी। ये देखें, बराबर सेम सेम एक जैसी हैं। ये एक किनारी, ये दो। इसका वज़न हम करते हैं अभी। ये देखें, इसका वज़न 2.6, ये ज़ीरो कर दिया। और ये देखें, -2.6 था, 7 हो गया। खैर, 1 मिली का फ़र्क करेंगे। ये देखें, 47.4 यानी कि 47.5 ग्राम। 50 ग्राम से तकरीबन 2.5 ग्राम वज़न कम है, लेकिन वक्ती तौर पर इतना है। इसका वज़न 50 ग्राम बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 50 ग्राम वज़न नहीं होगा तो ये मसला ख़राब हो सकता है, नुस्खे ख़राब हो सकता है। इसका तकरीबन 2.5 ग्राम वज़न कम है, मैं और डाल लूँगा। और ये देखें, मैं आपको अभी और चीज़ बताता हूँ। ये एक मिनट, ये सामने चीज़ आ गई। दोस्तों, ये है गंदक आमला सार जो कि ब्रीक पीसी हुई है। इसको सल्फर भी इसको ही बोलते हैं और ये गंदक आमला सार भी इसको बोलते हैं। अभी मैं इसका, और ये देखें, गंदक आमला सार यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सल्फर। ये भी मुझे किसी 50 आदमी से पूछने के बाद पता चला कि इसको सल्फर भी बोलते हैं, लेकिन बराए करम मेहरबानी करके मुझे आम ज़बान में जो चीज़ें हैं वो बताएं, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ कि जरा लोगों को पूछने की ज़रूरत ना पवे। और ये एक मिनट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ। चम्मच नहीं था मेरे पास, वो चम्मच लेने के लिए गया। मैंने बताया था कि अभी ये सब छोड़ें,
ये सल्फ़र का वज़न मैंने आपको बताया था 10 ग्राम करना, ये देखें अभी 0.0 है। दो और छः, सात, आठ, दस, एक, ये देखें मुकम्मल 10 ग्राम है इसका वज़न, इसका वज़न मुकम्मल 10 ग्राम। ये पीसने के बाद ये इस कलर में, अभी नंबर आ गया खरल का, ये देखें दवाई खरल कर करके ये कैसे अंदर से इसका रंग हो चुका है। मेरे पास रंग भी इतना खूबसूरत हो गया, खैर कोई बात नहीं। अभी ये देखें ये कागज़ का वज़न, दस ग्राम, ये देखें आपके आंखों के सामने ये खरल में डाल दिया, और ये देखें अभी ये 0 हो गया, ठीक है। अभी और फिर दिखा दूँ, संताली ग्राम 50 ग्राम करना है, अभी दोस्तों अभी आपके आंखों के सामने सल्फर का भी वज़न हो गया, गंधक कामला सर का भी वज़न हो के खरल में आ गया, और ये अक का दूध भी 47.4 ग्राम था, इसमें तकरीबन 2.5 ग्राम कम है, वो इंशाल्लाह ताला मैं बाद में डाल लूँगा। दोस्तों अब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। नज़ीर अहमद खोखर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नज़ीर अहमद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों ये पारा कैमल नार करने का आसान तरीके के साथ, ये देखें इसमें पारा हरकत कर रहा है। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, मैंने तेज़ाब और महलूल कास्टर को आपस में मिलाया हम वज़न करके, कि जिसमें मैंने 2 तोला महलूल कास्टर डाला और तेज़ाब इसमें डाला मोटर कारपेंट्री वाले का। बाद में मैंने इसके ऊपर एक
का पानी का डाला पारा डालकर आग के ऊपर रखा, साथ एक कप पानी का डाल दिया दूसरी वीडियो में आग के ऊपर रखा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आग में क्या कर रहा है, पारा ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों। मैंने एक वीडियो में आपको पारे के इम्तिहान के मतलब बताया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इसके में तकरीबन 1.5 तोला पारा डाला था। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोर सिल्वर मिस्टर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंचे।